Good morning, student. How are you? I hope you all are fine and good. Today moral is, the tongue has no bone but is strong enough to break a heart. So be careful with your word. It means, आपके टंग में बोन्स तो नहीं होती हैं बट वो काफ़ी होती हैं किसी का दिल दुखाने के लिए. अगर आप से लड़ते हो, झगड़ते हो, तो उसमें आप ने बोन्स का भी हेल्प लेते हो, बट टंग के अंदर बोन्स नहीं होती, लेकिन किसी को दुखी करने के लिए वो अकेले ही काफ़ी हैं. तो अपने वर्ड को कभी भी किसी को कुछ बोलना चाहिए तो सोच समझ के बोलना चाहिए कि आप जो बोल रहे हो वो सही है या गलत है. किसी को कभी हर्ट नहीं करना चाहिए अपनी बातों से. इसलिए बोलते हैं ना, मीठा बोलो. तो कभी भी किसी को ऐसी बात ना बोलो जो उसे अच्छी ना लगे. ऐसा बोलो जो आप दूसरों से एक्सेप्ट करते हो अपने बारे में सुनने के लिए. वैसे ही दूसरा भी आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप उसको रिस्पेक्ट दो. रिस्पेक्ट दोगे तो रिस्पेक्ट पाओगे. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू रिवाइज आर फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर. सो लेट अस स्टार्ट. सो टुडे वी आर गोइंग टू अगेन डिस्कस फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर विच आई टोल्ड इन द प्रीवियस वीडियो. नाउ लेट्स कंटिन्यू टू रिवाइज व्हाट वी टॉट अर्लियर. सो लेट स्टार्ट रिवीजन फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर. फर्स्ट चैप्टर आपके क्या था? द वर्सेटाइल कंप्यूटर. वर्सेटाइल कंप्यूटर मतलब बहुमुखी कंप्यूटर. वर्सेटाइल मीनिंग की क्या होती है? बहुमुखी कंप्यूटर. तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? एज यू रीड प्रीवियस क्लास दैट कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन. कंप्यूटर क्या होती है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जो कि हेल्प करती है डू मैनी जॉब्स एक्यूरेटली एंड प्रोसेस डाटा एट अ वेरी हाई स्पीड. जो कि बहुत से लोगों का काम कर देती है. बहुत से प्रोसेस दैट एवरी एट अ वेरी हाई स्पीड और बहुत ही हाई स्पीड में. कंप्यूटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ IPO. जैसा कि आपको पता है, प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा है कि जो कंप्यूटर होता है वो किस पे, कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है? IPO. IPO मीन्स इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट. इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट विच मीन इट्स रिसीव डाटा देन प्रोसेस एंड गिवस द आउटपुट अकॉर्डिंग टू द गिवन इनपुट. मतलब इसका मतलब ये होता है कि वो डाटा रिसीव करता है, उसको प्रोसेस करता है और जो आपको आउटपुट चाहिए होता है, जो आपने इनपुट दिया है उसके अकॉर्डिंग वो आउटपुट प्रोवाइड करता है. फिर डिस्कस किया था हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर. पार्ट्स क्या होते हैं कंप्यूटर के? कौन कौन से पार्ट्स से बना होता है आपका कंप्यूटर? अ कंप्यूटर वर्क मेनली अपॉन इट्स टू कंपोनेंट से वर्क करता है. जैसे एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर. हार्डवेयर क्या होता है? जिसको हम फिज़िकली देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हार्डवेयर. ऑन द अदर हैंड सॉफ्टवेयर रिफर्स टू इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम दैट टेल द हार्डवेयर व्हाट टू डू. और सेकेंड क्या होता है? जो इंस्ट्रक्शन, जो प्रोग्राम हम लोग डालते हैं, इनपुट करते हैं और हार्डवेयर जो इंस्ट्रक्शन देता है वही सॉफ्टवेयर करता है. तो कंप्यूटर मेड अप ऑफ मैनी डिफरेंट पार्ट्स. कंप्यूटर क्या है? हमारे मैनी डिफरेंट पार्ट्स से बना है. जैसे पहला पार्ट क्या है? 4 मेन पार्ट्स इसके होते हैं. मॉनिटर, सेकंड कीबोर्ड, माउस और कौन से होते हैं? CPU. ये सब उनके क्या होते हैं? 4 मेन पार्ट्स हैं. फर्स्ट मॉनिटर क्या होता है? द मॉनिटर इज़ द विजुअल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर. इट डिस्प्ले इंफॉर्मेशन टू द यूज़र. इट इज़ रिक्वायर्ड पार्ट ऑफ द कंप्यूटर. दिस पार्ट रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिसिटी सो इट विल हैव इट्स ओन पावर कॉर्ड टू प्लग इनटू एन आउटलेट. इट इज़ नोन एज विजुअल डिस्प्ले यूनिट. जो हमारा मॉनिटर होता है वो विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है. इसका मतलब क्योंकि
उसमें क्या विजुअली आप डिस्प्ले मतलब देख सकते हैं, वो विजुअली दिखाता है। कंप्यूटर का ऐसा कंपोनेंट होता है जो डिस्प्ले करता है इन्फॉर्मेशन को टू द यूज़र, यूज़र को इन्फॉर्मेशन दिखाता है। ये बहुत ही रिक्वायर्ड पार्ट होता है किसका, कंप्यूटर का, जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। ओन पावर कॉर्ड, इसका खुद का ओन पावर कॉर्ड होता है। खुद का क्या होता है, खुद के तार होते हैं, इससे इसको आप प्लग करके चला सकते हैं आउटलेट। तो इसको क्या बोला जाता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। नेक्स्ट क्या आता है आपका, कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या होता है, ये एक इनपुट डिवाइस होता है। लेआउट इट्स सिमिलर टू अ टाइपराइटर, एकदम टाइपराइटर की तरह होता है। और इसमें विथ एडिशनल की, इसमें और एडिशनल की होती है फॉर अदर फंक्शन, अदर फंक्शन को करने के लिए। कीबोर्ड क्या होता है, व्हाट इज़ कीबोर्ड, कीबोर्ड इज़ एन इनपुट डिवाइस। वो एकदम सिमिलर होता है किसकी तरह, टाइपराइटर की तरह, और उसमें एडिशनल की होती हैं जो अदर फंक्शन परफॉर्म करती हैं। देयर इज़ अ नंबर कीपैड टू द राइट और द मेन अल्फाबेटिकल कीपैड। इसमें क्या होता है, नंबर कीपैड होता है राइट साइड में। लुक हियर, व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ द नंबर कीपैड जो कि राइट साइड होता है, और अल्फाबेटिकल की कहाँ होती है, मिडिल में। और इसको कीबोर्ड का यूज़ क्यों हम लोग करते हैं, डाटा को एंटर करने के लिए, और जनरेटिंग कमांड, कमांड जनरेट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कीबोर्ड का। नेक्स्ट क्या आता है, सीपीयू। सीपीयू क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है ये, जिसमें हम लोग, इसमें जो भी हम लोग डाटा डालते हैं वो कहाँ जाता है, एवरीथिंग कम टुगेदर टू वर्क और ऑल डाटा इज प्रोसेस्ड इनसाइड द कंप्यूटर। सीपीयू ऐसी जगह होती है जहाँ पे हर चीज़, जो भी आप डाटा डालते हो वो सब चीज़ किसके पास आती है, सीपीयू के पास। तब वो ऑल डाटा को क्या करता है, प्रोसेस करता है इनसाइड द कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर। और इसको और भी क्या कहा जाता है, मैंने बताया था, जल्दी से बताइए। यस, ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। ब्रेन होता है एक तरह से, जैसे हम लोग का ब्रेन कहाँ होता है, हेड में होता है ना, वैसे उनका ब्रेन सीपीयू में होता है। क्योंकि एवरीथिंग कहाँ जाता है, पहले अगर हम लोग में कोई, आप लोग को अगर इंस्ट्रक्शन देना है कि ये पेन उठा दी है, तो ये माइंड ने कहा ना, तभी तो हमारा हाथ ने वर्क किया, तो पेन यहाँ से यहाँ गई, ठीक। तो वैसे ही सीपीयू में क्या होता है, जो भी हमको कुछ भी करना रहता है, तो हम डाटा एंटर करते हैं, वो डायरेक्ट कहाँ जाता है, सीपीयू में। फिर सीपीयू उसको प्रोसेस करके हमें दिखाता है। ऑल पार्ट इंक्लूडिंग द मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, स्पीकर एंड अदर ज्वाइन एट द यूनिट टू बिकम अ फंक्शनल सिस्टम। जब ऑल पार्ट ज्वाइन होते हैं, जैसे मॉनिटर हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, स्पीकर हो गया और अदर यूनिट, तो क्या एक फंक्शनल सिस्टम बनता है, जिसको क्या बोलते हैं, कंप्यूटर बोलते हैं। नेक्स्ट क्या आता है, माउस। माउस क्या होता है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द इनपुट डिवाइस। को भी एक तरह से इनपुट डिवाइस कहा जाता है, क्योंकि हम लोग ऐसे क्लिक करते हैं ना, इसमें टू बटन होते हैं, वन स्क्रॉल होता है। इसको किस लिए यूज़ किया जाता है, सिलेक्शन के लिए। देयर आर टू बटन एंड वन स्क्रॉल व्हील। इसमें टू बटन होते हैं और वन स्क्रॉल व्हील होती है, मतलब एक पहिए की तरह व्हील होती है। ऑन अ माउस, माउस के अंदर मोस्ट एक्शन आर परफॉर्म यूजिंग द लेफ्ट बटन। मोस्ट एक्शन कैसे परफॉर्म किए करे जाते हैं, उनके लेफ्ट बटन को यूज़ करके। लेफ्ट बटन होता है ना, तो उसको यूज़ करके बहुत से एक्शन को परफॉर्म किए जाते हैं। नेक्स्ट, सम माउस हैव कॉर्ड एंड सब डू नॉट। कुछ माउस वायर से कनेक्ट होते हैं, कुछ वायर से नहीं, वो डायरेक्ट होते हैं, ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाते हैं, और भी अदर फंक्शन होते हैं तो उससे वो कनेक्ट हो जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज फोर मेन पार्ट, देर आर मैनी अदर पार्ट टू कैन बी अटैच टू द, मतलब ये फोर मेन पार्ट होते हैं जिससे हमारा सिस्टम वर्क होता है, उसके अलावा भी और भी पार्ट होते हैं जिसको हम लोग अटैच कर सकते हैं, बट वो इसेंशियल नहीं होते, बहुत ज़्यादा इसेंशियल नहीं होते उसको रन करने के लिए, बट डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन वर्क करते हैं, इसलिए हम उनको ऐड करते हैं। उनको और क्या कहा जाता है, पेरिफेरल डिवाइस कहा जाता है, जो अलग से पार्ट, ये सब पेरिफेरल नहीं होते, क्योंकि आप इसको इधर से उधर उतना जल्दी नहीं ले जा सकते, मतलब पेरिफेरल डिवाइस जो होती है उसको परिधीय एक तरह से बोला जाता है।
पेरिफेरल डिवाइस को। तो एग्जांपल में जैसे सीडीज़ हो गई, पेन ड्राइव हो गई, स्पीकर हो गया, अगर आप इनको नहीं भी लगाओगे तो भी आपका कंप्यूटर वर्क करेगा, बट आप कीबोर्ड ना लगाओ, सीपीयू ना लगाओ, मॉनिटर मत लगाओ तो आपका कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा। फोर उसके मेन पार्ट होते हैं और बाकी ये सब पेरिफेरल डिवाइस होती है, इतनी इसेंशियल नहीं होती है, बट आप लगा के वर्क कर सकते हैं क्योंकि ये अदर अदर फंक्शन परफॉर्म करती हैं। पहला क्या आता है, पेन ड्राइव। पेन ड्राइव आपने पढ़ा था, ये पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस होती है। पोर्टेबल मतलब एक तरह से कहीं भी ले जा सकते हो, ईजिली कहीं भी आप कैरी करके इसको ले जा सकते हो। ये स्टोर, ये किस लिए यूज़ होती है, ये यूज़ होती है इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। कहाँ पे, कंप्यूटर में एंड यूज़ ऑन अदर सिस्टम। तो आप स्टोर कर सकते हो इंफॉर्मेशन कंप्यूटर, मतलब इसको लगा के आप कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन पेन ड्राइव में ले सकते हो, उसको अनदर सिस्टम पे लगा के देख सकते हो। और इसका नाम क्या होता है, दूसरा नाम इसका क्या होता है पेन ड्राइव का, यस फ्लैश ड्राइव नाम होता है। फ्लैश ड्राइव को भी पेन ड्राइव बोला जाता है। नेक्स्ट क्या है, स्पीकर। स्पीकर क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस बाय द कंप्यूटर और सॉन्ग प्लेड ऑन। साउंड क्या होता है, स्पीकर होता है जो कि आप पता है कि आप लगा के उसको सुन सकते हो। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस होता है जो कि वॉइस एज इनपुट, मतलब वॉइस के लिए होता है। इससे आपको क्या होता है, वॉइस कम्युनिकेशन होता है। मोर एरर प्रोन देन इंफॉर्मेशन थ्रू कीबोर्ड, दीज आर टू टाइप्स माइक्रोफोन अवेलेबल। एक डेस्कटॉप वाला होता है जो डेस्कटॉप में रहता है, एक हैंडल वाला जो आप हाथ में लेके सुनते हो। तो दो तरीके के होता है, ये भी आपका एक तरह से वॉइस को आपको बहुत हाई वॉल्यूम में सब तक पहुंचाता है, इसका ये काम होता है माइक्रोफोन का। नेक्स्ट क्या आता है, स्कैनर। स्कैनर भी एक तरह से क्या होता है, स्कैन करता है इमेजेस को, फोटोग्राफ्स को, प्रिंट करता है, पोस्टर मैगजीन पेजेस को। ये एक सिमिलर सोर्स होता है कंप्यूटर का, एडिटिंग एंड डिस्प्ले, मतलब एक सोर्स होता है एडिटिंग का स्कैनर, जिससे आप इजीली क्या कोई भी फोटोग्राफ को स्कैन, पोस्टर मैगजीन जो बनती हैं उसमें स्कैनर का यूज़ होता है, उससे वो आप एडिट करके बना सकते हो। नेक्स्ट क्या है, जॉयस्टिक। जॉयस्टिक को पता होगा, जॉयस्टिक क्या होता है, एक इनपुट डिवाइस होता है जो कॉमनली यूज होता है वीडियो को कंट्रोल करने में, वीडियो गेम को कंट्रोल करने में। ये क्या होता है, जॉयस्टिक में बेस होता है और स्टिक होती है। जैसे ये बेस है ना, इसमें स्टिक अटैच है। ये किस लिए होता है, डायरेक्शन को मूव करने में के लिए। इट कैन बी मूव स्लोली और क्विकली, जैसे आप जिस अमाउंट में खेल, मतलब जैसे खेल रहे हो, जिस अमाउंट में आपको मूव करना है उस अमाउंट पे आप इजीली इसको मूव कर सकते हो, किसको, जॉयस्टिक को। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट टॉपिक आपका है डिफरेंट एप्लीकेशन ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर आर बीइंग यूज्ड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। कंप्यूटर क्या है, ऑलमोस्ट एवरीवेयर यूज़ किया जाता है डे टू डे लाइफ में। डे टू डे लाइफ में आप लोग हर जगह यूज़ करते हैं इसका। मल्टीपल जॉब्स, मतलब बहुत से काम ये कर लेता है, डाटा स्टोर कर लेता है, कोई मल्टीपल प्रोग्राम को बहुत जल्दी से सॉल्व कर देता है, मतलब वाइडली एरिया में इसको यूज़ किया जाता है। तो कुछ हम लोग देखते हैं कहाँ कहाँ जैसे यूज़ होता है, जैसे हमारे होम में यूज़ होता है, मैंने बताया है, जैसे चिल्ड्रन यूज़ करते हैं, एडल्ट यूज़ करते हैं अपने बहुत से काम करने के लिए। जैसे सम आर लिस्टेड, कुछ काम यहाँ दिखाया गया, जैसे गेम खेलना, म्यूज़िक खेलना, मूवी देखना, टाइपिंग लेटर, स्टोरिंग एड्रेस एंड फ़ोन नंबर, टाइप लेटर टाइपिंग करना, एड्रेस स्टोर करना, फ़ोन नंबर लिखना, ड्राइंग करना, पेंटिंग करना, कार्ड बनाना, प्लानिंग, बजट, बजट की प्लानिंग करना, अपनी एक्सपेंसिव की कितना कमाया, कितना खर्चा किया उसको नोट करना, एज ए डायरी विथ यूज़फुल इंफॉर्मेशन। एक तरह से डायरी की तरह भी आप यूज़ कर सकते हो कि यूज़फुल इंफॉर्मेशन उसमें नोट कर दो। एज ए प्लानर आप इसको वो कर सकते हो कि अपने इनकम और एक्सपेंस को लिखो। बुकिंग, ई टिकट्स, ऑनलाइन टिकट, ऑनलाइन परचेजिंग, ऑनलाइन अब हर काम हो रहे हैं आपको पता है, तो आप इजीली टिकट को बुक कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। बहुत डिफरेंट डिफरेंट ऐप हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, वहाँ से ऑनलाइन परचेजिंग कर सकते हो। ऑनलाइन आप पेमेंट भी कर सकते हो पेटीएम और गूगल पे का यूज़ करके, मतलब मैनी अदर थिंग आप कर सकते हो, जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट हो, जो जो जिस पे आप डिपेंड होगे वैसे वैसे आप कर सकते हो।
ऐसे स्कूल में होता है इन स्कूल, कंप्यूटर आर यूजली यूजफुल इन स्कूल। जैसे आप लोगों ने वीडियो में देखा था, सर ने दिखाया था आपको कंप्यूटर लैब चेंज हो चुका है, तो आप वहाँ पे भी यूज़ करते थे। दे आर यूज इन स्कूल बाय टीचर, स्टूडेंट, नॉन टीचिंग स्टाफ, मतलब कोई भी यूज़ कर सकता है, कोई भी यूज़ करता है अपने काम करने के लिए, क्योंकि ये बहुत से काम कर सकते हैं। जैसे सम ऑफ द जॉब फॉर विच कंप्यूटर आर यूज इन स्कूल, बहुत से काम आप कर सकते हो। जैसे कुछ लिखे हैं इसमें, टीचर आर यूज कंप्यूटर टू टीच डिफरेंट सब्जेक्ट, टीचर के इसलिए यूज़ करता है डिफरेंट सब्जेक्ट को टीच करने के लिए, प्रिपेयरिंग पेपर प्रिपेयर करने के लिए, टेस्ट रिपोर्ट कार्ड टाइम टेबल बनाने के लिए, इंफॉर्मेशन डाउनलोड करने के लिए इंटरनेट से, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए टेस्ट पेपर बनाने के लिए, वर्कशीट अटेंडेंस डिटेल, प्रोजेक्ट बनाने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट की नॉलेज लेने के लिए, ऑनलाइन एजुकेशन डन प्राइमरी विद थ्रू ऑनलाइन एग्ज़ाम, आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम भी होते हैं उसको करने के लिए, मतलब बहुत सी जगह पे इसका यूज़ होता है। मेडिकल पर्पज़ में भी इसका यूज़ होता है, जैसे एक्सटेंसिवली फॉर मेडिकल, बड़े पैमाने पर मेडिकल एक्सटेंसिवली बड़े पैमाने पर मेडिकल में भी, हेल्थ पर्पज़ में भी इसका यूज़ होता है, जैसे लैब हो गया, हॉस्पिटल हो गया। सम यूज़ देखो, हॉस्पिटल मैनेजमेंट में, जैसे स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल होता है, सॉफ्टवेयर आर यूज्ड ऑटोमेट द डे टू डे प्रोसीजर एंड ऑपरेशन एट हॉस्पिटल, मतलब डे टू डे का होता है उनका, वो उनके टास्क होते हैं, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट होती है, पेरोल एमिटेंस होती है, एडमिटेंस एडमिट हो रहा है, कौन डिस्चार्ज हो रहा है, उसके रिकॉर्ड होते हैं, पेशेंट की हिस्ट्री आप देख सकते हो हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम में, वो स्टोर करते हैं डाटा अबाउट पेशेंट। कंप्यूटर आर यूज टू स्टोर डाटा अबाउट पेशेंट, डिसीज, उनके सिम्टम, मतलब किसी भी, मतलब कोई भी पेशेंट हुआ उसके क्या डिसीज थी उसके रिकॉर्ड आप वहाँ से पा सकते हो, उसके सिम्टम क्या थे, उसमें मेडिसिन कौन कौन सी प्रिस्क्राइब की गई थी, दी गई थी, उन सब के बारे में जानकारी ले सकते हो। और पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम आर इंस्टॉल इन मेडिकल वार्ड, मेडिकल वार्ड में इसको लिया गया है। इंटेंसिव केयर यूनिट टू मॉनिटर पेशेंट कॉन्टिन्यूसली, तो इसका सिस्टम का यूज़ होता है मॉनिटर, मतलब पेशेंट को कॉन्टिन्यूसली देखने के लिए, और प्लस ब्लड प्रेशर, बॉडी टेम्परेचर, अलर्ट मेडिकल स्टाफ अबाउट एनी सीरियस सिचुएशन, मतलब इन सब सिस्टम में, वैसे पल्स को देखना, ब्लड प्रेशर, बॉडी टेम्परेचर, इन सब को भी ये इजली क्या कर सकता है, देख सकता है और आपको अलर्ट कर सकता है कोई भी प्रॉब्लम होगी। लाइफ सपोर्टिंग सपोर्ट सिस्टम में भी होता है, स्पेशलाइज्ड डिसीज स्पेशलाइज डिवाइस यूज होती हैं इम्पेयर्ड पेशेंट लाइक हियरिंग एड्स, एड्स पे, मतलब अलग अलग तरह से आप इसको, डायग्नोसिस पर्पज़ में यूज होता है, वेरियस वैरायटी ऑफ सॉफ्टवेयर यूज होते हैं उसको इन्वेस्टिगेट करने में, सिम्टम को प्रिस्क्राइब मेडिकेशन देने के लिए, ऑनलाइन आप सब कुछ देख सकते हो। सोफिस्टिकेटेड सिस्टम होता है, यूज़ किया जाता है, जैसे टेस्ट हो गया, सीटी स्कैन हो गया, एमआरआई हो गया, अदर मेडिकल टेस्ट हो गया, उन सब में यूज़ होता है इसको देखने के लिए। नेक्स्ट क्या है, एंटरटेनमेंट में आप लोग यूज़ करते हो, कंप्यूटर आर यूजफुल इन फील्ड ऑफ एंटरटेनमेंट, वेदर इट इज़ फिल्म हो गया, टेलीविज़न हो गया, और और एनी अदर मल्टी मीडिया प्रोग्राम हो गया, वहाँ पर एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से भी आप यूज़ करते, जैसे मेकिंग एनिमेटिंग फिल्म, जो एनिमेटिंग फिल्म होती हैं, कार्टून होते हैं, ये सब कैसे होते हैं, स्पेशल इफेक्ट इसमें डाले जाते हैं फिल्म में, एसेंशियल रोल को एडिट किया जाता है, पता है नए नए ऐप आते हैं, अब तो आप फ़ोन में भी एडिटिंग कर लेते हो फ़ोटोज़ को, देखा होगा ना फ़ोटोज़ वीडियो एडिट करने के ऐप आते हैं ना, तो उसमें वैसे ही एडिट, ये भी एनिमेटिंग जो फिल्म होती हैं, कार्टून्स होते हैं, तो वो ऐसे थोड़ी ना होते, उसको एडिट किया जाता है, इस वजह से वो ऐसे होते हैं। कंप्यूटर हेल्प टू कंपोजिंग एंड रिकॉर्डिंग ओल्ड मूवीज़ एज वेल एज इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ म्यूज़िक,
ये क्या होता है, रिकॉर्ड ओल्ड मूवीज़ को रख रखता है, उसको इम्प्रूव करने में, क्वालिटी इम्प्रूव करने में, म्यूज़िक की उन सब में भी उसका हेल्प करता है। फिल्म लाइक जुरासिक पार्क, स्पाइडरमैन, बैट्समैन आर मेड विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। ये सब जो मूवी है आप लोगों ने देखी होगी, ये सब किसकी हेल्प से बनी है, सब कंप्यूटर की हेल्प से बनी, कोई इंसान थोड़ी ना ऐसा होता है, तो एडिटिंग होके ऐसा होता है। क्रिएटिंग डिजिटाइजिंग गेम, कीपिंग इन टच विद फ्रेंड फैमिली थ्रू ईमेल, सोशल नेटवर्किंग आप लोग तो जानते हो, व्हाट्सएप, फेसबुक, इन सब के थ्रू आप अटैच रह सकते हो, तो एक तरह के एंटरटेनमेंट हो, ईमेल मतलब एंटरटेनमेंट में इस पर्पज़ से यूज़ करते हो। बैंकिंग सेक्टर में कैसे होता है, बैंकिंग सेक्टर में प्लेइंग एसेंशियल रोल, बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है। जैसे बैंक में आप वेरियस पर्पज़ से, जैसे अकाउंट होल्डर किसने कौन अकाउंट खुलाया, उनके रिकॉर्ड्स, मेंटेनिंग अकाउंट विद डिपॉजिटेड विदड्रॉ, मतलब डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने कितना अमाउंट डिपॉजिट किया, कितना जमा किया, कितना निकाला, उसके रिकॉर्ड आप डेट्स अमाउंट देख सकते हो। ऑनलाइन इंक्वायरी आपको लेनी है कस्टमर अकाउंट के बैलेंस की, वो भी आप कर सकते हो, चेक वेरीफाई कर सकते हो चेक को कस्टमर के। प्रोवाइडिंग फैसिलिटी लाइक इंटरनेट बैंकिंग बताया था, जैसे ऑनलाइन ऑटोमेटेड टेलर मशीन कौन सी होती है, ATM, आप लोगों ने देखा ना, कस्टमर वहाँ से इजीली विड्रॉ कर लेते हैं क्रेडिट और डेबिट कार्ड की हेल्प से, और चेक भी कर सकते हैं अपने बैलेंस को थ्रू ATM। तो मतलब वी कैन से दैट कंप्यूटर इज़ यूज़फुल इन बैंक, यूज़फुल है बैंक के लिए भी, इतने काम कर लेता है। लाइब्रेरी में क्या होता है, कंप्यूटर आर यूजुअली कॉमनली यूज इन लाइब्रेरी, कॉमनली यूज होता है कहाँ पे, लाइब्रेरी में, रिकॉर्ड रखने के लिए बुक की, कब इशू हुई बुक, कब रिटर्न हुई बुक, और रिकॉर्ड ऑफ बुक, कैटलॉग्स, मैगजीन, इन सब की। समटाइम लाइब्रेरीज अलाउ इंटरनेट एक्सेस फ्रॉम देयर कंप्यूटर फॉर ऑनलाइन रिसर्च एंड अदर रिलेटेड फंक्शन। ऑनलाइन आप लोग देख सकते हो कौन कौन से रिसर्च हैं, एडिशनल फंक्शन उससे रिलेटेड देख सकते हो। साइंस और टेक्नोलॉजी में इसका यूज़ है, जैसे वेरियस एप्लीकेशन कंप्यूटर की फील्ड साइंस और टेक्नोलॉजी में, जैसे रिसर्च ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा, वेदर की जानकारी के लिए, लॉन्चिंग सैटेलाइट की जानकारी में के लिए, फॉर द डिफेंस के लिए भी आप लोग इसका यूज़ कर सकते हो। जैसे कंप्यूटर का यूज़ कर रहे डेवलपिंग मिसाइल्स को, अदर इक्विपमेंट को, डिफेंस सिस्टम में इसका यूज़ होता है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, कोई भी वेपन्स बनाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए उसका फंक्शन, विदाउट कंप्यूटर ये पॉसिबल नहीं है। क्रिमिनल के रिकॉर्ड रखने के लिए कोप्स, मतलब एक तरह से स्टेशन में भी मेंटेन रेगुलरली इन द सिस्टम, तो मेंटेन होता रहता है। डिज़ाइनिंग पर्पस में, जैसे कंप्यूटर एड्स इन डिज़ाइनिंग बिल्डिंग, मैगजीन, प्रिंट्स, न्यूज़पेपर, बुक्स, मैनी अदर, मतलब किसी कंस्ट्रक्शन काम में ब्यूटीफुल डिज़ाइन बनाने के लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर का यूज़ होता है इन सबको बनाने के लिए। डिज़ाइनिंग पर्पज़ में कोई भी टाइटल बनाना हुआ, कोई भी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनाना हुआ, तो आप किसके थ्रू, कंप्यूटर की हेल्प से कर सकते हो। रेलवे स्टेशन में भी इसका यूज़ होता है, जैसे रेलवे स्टेशन आप टिकट और रिजर्वेशन आप ऑनलाइन घर में बैठ के कर सकते हो कंप्यूटर से। ट्रैफिक इससे कंट्रोल हो जाएगा, फ्लाइट के टिकट्स भी बुक कर सकते हो, प्रॉपर लैंडिंग टेक ऑफ आप चेक करते हो, सिग्नलिंग देख सकते हो, शेड्यूल रिशेड्यूलिंग ऑफ ट्रेन एंड फ्लाइट्स से भी बच सकते हो, जो शेड्यूलिंग रिशेड्यूलिंग ट्रेन होता है तो उसमें बहुत से हार्म होने लगते हैं, तो उससे भी बच सकते हो। स्टेटस चेकिंग द स्टेटस ट्रेन फ्लाइट्स, मतलब आप उसके स्टेटस को भी चेक कर सकते हो, कहाँ कब कैसे पहुँची, इन सब में। बिजनेस पर्पस में भी बहुत से, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में पूरा है ये, इट इज़ पॉसिबल इम्पॉसिबल टू रन बिजनेस विदाउट यूजिंग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। बिना कंप्यूटर का यूज़ किए आप बिजनेस तो चला नहीं सकते। बिजनेस एक्टिविटी आप परफॉर्म वेरी क्विकली, इसकी वजह से बहुत ही क्विकली होती है यूजिंग कंप्यूटर। कंप्यूटर यूज इन शॉप, होटल्स, कीपिंग रिकॉर्ड स्टॉक, जनरेटिंग बिल, एडमिनिस्ट्रेटिव पेपर वर्क इज ऑल्सो रिड्यूस बाई जो पेपर वर्क है वो कम होने लगे, क्योंकि सारे डाटा तो केवल कंप्यूटर में फीड हो जाते हैं। मैनी वेबसाइट होती है प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कस्टमर से, तो इन सब चीज़ों में बिजनेस में भी ये बहुत ही अच्छा रोल बनाता है, बहुत ही इसेंशियल रोल प्ले करता है
कंप्यूटर हमारा, तो कंप्यूटर बहुत ही यूज़फुल है। वर्सटाइल कंप्यूटर के बारे में पढ़ा आप लोगों ने। अब नेक्स्ट आपका चैप्टर क्या था, डाटा स्टोरेज मीडिया सेकंड चैप्टर है। जैसे बिट्स और बाइट्स, बिट्स क्या होता है, एक सिंगल बाइनरी वैल्यू होती है जो जीरो और वन के उस अंडर आती है, उसको क्या बोलते हैं, वो प्रोवाइड करती है इंस्ट्रक्शन। कोई भी टेस्ट हुआ मैनिपुलेट बिट्स, दे जनरली आर डिजाइन स्टोर डाटा, क्योंकि बिट्स क्या है, एक छोटा पार्ट है। बिट्स तो जीरो और वन के उसको देखता है, एक छोटा पार्ट से बिट्स, वन एट बिट्स मिलती है तो एट बिट्स मिलेगी तो वन बाइट होती है। बिट्स बहुत ही स्मॉल यूनिट होती है स्टोर डाटा को स्टोर करने के लिए, और उसके आगे जब बड़ा हो जाता है जनरली आर डिज़ाइन टू स्टोर डाटा एग्जीक्यूट बिट मल्टीपल, जब बिट का मल्टीपल बन जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, बाइट्स। जैसे वन बिट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ ज़ीरो और वन, जो वन बिट को क्या बोलते हैं, जो वैल्यू होती है ज़ीरो और वन की उसको वन बिट बोलते हैं। एट बिट बनेगी तो वन बाइट होती है, वन 24 बाइट होती है तो 1 किलो बाइट होती है, KB जैसे आपके नेट में चलता है 1024 KB होगी तो 1 MB बनती है, 1024 मेगाबाइट होगी तो 1 GB 1 GB बनती है, 1024 GB होगी तो 1 TB, 1024 TB होगी तो 1 PB, 1024 PB होगी तो 1 EB, 1024 EB होगी तो 1 ZB, 1024 ZB होगी तो 1 YB, इतना है। अब ये एब्रीविएशन है उनका शॉर्ट फॉर्म में, 1 KB इक्वल टू कि 1 KB, 1 KB, 1 MB, 1 MB, 1 GB, 1 GB, 1 TB, 1 TB, 1 PB, 1 PB, 1 EB, 1 XB, 1 ZB, 1 ZB, 1 ZB, 1 YB, 1 YB, तो ऐसे ऐसे हैं सबके शॉर्ट फॉर्म में। आप लोग कुछ के जानते भी हैं, उससे ज़्यादा हम लोग वर्क नहीं करते। नेक्स्ट क्या है, सिलिकॉन चिप्स क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कैरिंग बिट्स आर स्टोर्ड ऑन चिप्स। सिलिकॉन चिप्स होती है जो सर्किट होती है, एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होती है जो बिट्स उसमें लगे रहते हैं, जो कि एक तरह से स्टोर्ड ऑन चिप्स, जो कि इस चिप्स में लगे रहते हैं एक तरह से। दीज चिप्स आर टिनी पीसेज ऑफ मटेरियल, टिनी पीसेज ऑफ मटेरियल से बने होते हैं, इसको सिलिकॉन बोलते हैं हम लोग। ईच चिप्स इज कवर्ड अ लैक ऑफ सर्किट, लैक ऑफ सर्किट से वो चिप्स कवर होती हैं, जो चिप्स होती हैं वो कंप्यूटर आर माउंटेड ऑन बोर्ड कॉल्ड प्रिंटेड सर्किट, उसको प्रिंटेड सर्किट बोलते हैं। जैसे प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, PCB और डॉटर बोर्ड भी बोलते हैं, ऐसे आप लोगों ने सुना भी होगा। जो डॉटर बोर्ड होता है वो मदर बोर्ड से अटैच होता है, जो डाटा ऑफ द इंस्ट्रक्शन डाटा एंटर्ड इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम, जो डाटा इंस्ट्रक्शन जो हम लोग एंटर करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में, वो इनपुट डिवाइस आर स्टोर इन द सम स्टोरेज मीडिया। तो वो जो डाटा हम लोग एंटर करते हैं तो वो जो इनपुट डिवाइस होता है वो कहीं ना कहीं स्टोर करता है उस मीडिया को, स्टोरेज मीडिया में। तो उस जो मीडिया होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेमोरी बोलते हैं। जो मेमोरी होती है वो चिप्स बनी होती है, चिप्स किससे बना होता है, वो टिनी स्मॉल पीसेज ऑफ मटेरियल से, जिसको सिलिकॉन बोलते हैं। तो वो कहाँ लगी होती है, कंप्यूटर में। तो कंप्यूटर में टू काइंड की मेमोरी होती है, एक प्राइमरी होती है, एक सेकेंडरी होती है। बताया था मैंने, प्राइमरी के अंदर क्या होता है, रैम रोम आता है, सेकेंडरी के अंदर हार्ड डिस्क CD और पेन ड्राइव आता है। प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो मेन स्टोरेज होता है, किसका, मेमोरी का। और जो एरिया होता है कंप्यूटर विच डाटा इज स्टोर्ड क्विक एक्सेस बाय द कंप्यूटर प्रोसेसर, जो कि उसके इंटरनली पार्ट होता है, इंटरनली स्टोरेज डिवाइस होती है जो इजली स्टोर कर लेती है, जिसको रैम बोलते हैं। रैम मतलब रीड ऑल रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम रीड ऑनली मेमोरी, जो सिनोनिम्स है एक तरह से प्राइमरी मेन, प्राइमरी और मेन स्टोरेज के। प्राइमरी मेमोरी में कंप्यूटर मेमोरी जो होती है एक्सेस डायरेक्टली बाय द CPU से डायरेक्टली होता है, जो स्टोर करता है इंस्ट्रक्शन करेंटली बाय द कंप्यूटर, जो स्टोर करता है इंस्ट्रक्शन को और उसको वर्क करता है। तो रैम, पहले हम लोग रैम के बारे में पढ़ते हैं। रैम क्या होता है, बताया था रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है जो डाटा और इंस्ट्रक्शन को क्या करती है, स्टोर करती है डाटा इंस्ट्रक्शन को जब उसका
क्या होता है, कंप्यूटर टर्न ऑन रहता है तब आप रीड कर सकते हो, उस डाटा को राइट कर सकते हो। रैम इज़ ओनली टेम्परेरी मेमोरी, ये क्या होती है, टेम्परेरी मेमोरी होती है, क्योंकि जब तक ऑन रहेगा तब तक वो तो वर्क करेगा, लेकिन जैसे ही पावर फेल होगा, कंप्यूटर स्विच ऑफ होगा, सारे इन्फॉर्मेशन क्या हो जाएंगे, लॉस्ट हो जाएंगे, उसको आप ला नहीं सकते। डैट इज़ वाई इसको वॉलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वॉलेटाइल मेमोरी। जो रोम होता है, रोम किससे होता है, रीड ऑल मेमोरी। इसमें अगर टर्न ऑन रहेगा तब तक डाटा आपके सेव रहेंगे, जैसे ऑफ हुआ सब उड़ जाएंगे। जो रोम होता है वो रीड ओनली मेमोरी से होता है, वो स्टोरेज प्रोग्राम होता है जो इंस्ट्रक्शन रीड होती है रन करने में, वो कंप्यूटर हाउ टू वर्क, कैसे वर्क करेगा वो बताता है। दी कीप द डाटा परमानेंटली, परमानेंटली रखा रहता है। ये नॉन वॉलेटाइल इन नेचर होता है। एग्जाम्पल, वेन कंप्यूटर इज स्विच ऑफ द डाटा डज नॉट गेट लूज, तो डाटा आपके लॉस नहीं होंगे अगर आपका कंप्यूटर ऑफ भी होगा, तो ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है क्योंकि इसमें डाटा लॉस नहीं होते। नेक्स्ट क्या होता है, देयर आर थ्री काइंड ऑफ रोम। अब रोम के भी क्या होते हैं, काइंड होते हैं। थ्री काइंड ऑफ रोम में कौन कौन से आ जाते हैं, सबसे पहला आता है पी रोम। पी रोम क्या होता है, ये अनदर टाइप होता है प्राइमरी मेमोरी का कंप्यूटर में, ठीक है। अनदर टाइप होता है वो क्या होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। यू नो दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू मॉडिफाई और इरेज प्रोग्राम स्टोर्ड इन रोम। आपको पता होगा कि ऐसा नहीं हो सकता है कि हम इरेज कर सके प्रोग्राम और डाटा जो कि हमारे रोम में स्टोर रहते हैं, बट इट इज़ पॉसिबल फॉर यू टू स्टोर योर प्रोग्राम इन पी रोम चिप। लेकिन ऐसा पॉसिबल हो सकता है जब आप उस डाटा को किस में स्टोर करो, पी रोम चिप में, क्योंकि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है ये। वंस द प्रोग्रामर आर रिटन, इट कैन नॉट बी चेंज्ड एंड रिमेन इंटैक्ट इवन इफ पावर इज स्विच ऑफ। तो अगर आपका प्रोग्रामर रिटन है, अगर आप उसको चेंज नहीं कर सकते, तो जो पावर आपका स्विच ऑफ हो जाएगा, तो देयरफॉर प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन रिटन इन पी रोम और रोम कैन बी इरेज्ड और चेंज। तब आप, अगर आपका पावर ऑफ हो जाता है, तो आपके जो इंस्ट्रक्शन होते हैं, जो रिटन होते हैं पी रोम में और रोम में, उसको वो क्या होते हैं, इरेज हो सकते हैं, मतलब कैन नॉट बी इरेज और चेंज, तब आप वो क्या होते हैं, चेंज नहीं हो सकते हैं। अगर वो चेंज नहीं है तो वो क्या हो सकते हैं, इरेज नहीं हो सकते, ना उसको आप चेंज कर सकते हो, कोई भी इंस्ट्रक्शन, कोई भी डाटा को पी रोम में। नेक्स्ट क्या होता है, ई पी रोम क्या होता है, वो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है, उसमें चेंज नहीं हो सकता कोई भी किसी भी तरह से। लेकिन इसमें क्या होता है, ई पी रोम होता है तो इरेजेबल होता है, तो मतलब कि विच ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ पी रोम एंड रोम डेट कैन बी इरेज एंड रीड। इसको इरेज भी कर सकते हैं और दोबारा से यूज़ भी कर सकते हैं। कैसे, इरेज इज कॉज शाइनिंग एंड इंटेंस अल्ट्रा वॉयलेट लाइट थ्रो अ विंडो दैट डिज़ाइन इन टू मेमोरी चिप। तो जो इरेजर होता है वो कॉज शाइनिंग एंड इंटेंस अल्ट्रा वॉयलेट लाइट थ्रो अ विंडो होता है, जो कि डिज़ाइन होता है मेमोरी चिप से। तो वेन द ई पी रोम इज इन use information can only be read, तो फिर जो ई पी रोम की information होती है तो उसको आप क्या कर सकते हो, read कर सकते हो, अगर erase भी हो जाती है तो। ई पी रोम जो होता है electrical erasable programmable read only memory, वो भी similar होता है ई पी रोम की तरह, but ये electrically use होता है, ये erase the data of room, जो कि erase कर देता है electrically form में जो data room में रहता है। Next, आप लोगों ने अभी तक प्राइमरी मेमोरी के बारे में पढ़ा, प्राइमरी मेमोरी रैम, रोम के बारे में पढ़ा, रोम के थ्री टाइप्स के बारे में पढ़ा, पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है, सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी वो होती है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं, सो मच इन्फॉर्मेशन हो जाती है जो कि हमारे प्राइमरी डिवाइस में नहीं यूज कर पाती, तो उस जगह पर हम लोग को नीड होती है आउटसाइड द कंप्यूटर। हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का यूज़ करते हैं, जिसको ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोला जाता है, वो इस सिचुएशन में यूज़ होती है। वी नीड टू स्टोर इंफॉर्मेशन इन सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस लाइक सीडीज, डीवीडीज, पेन ड्राइव एंड हार्ड डिस्क होता है, जिसको हम सेकेंडरी डिवाइस
सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस बोलते हैं, जैसे सीडीज हो गए, डिवीजन, पेन ड्राइव, आप लोगों ने देखा था, स्टोरेज डिवाइस होती है, चिप हो गया, ये सब क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस होती है। जैसे सीडी क्या होता है, द फुल फॉर्म ऑफ सीडी क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिवाइस, ये पोर्टेबल होता है, इजली आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है, 650 to 700 MB। ये लार्ज अमाउंट में इंफॉर्मेशन को, म्यूजिक को, फुल मोशन वीडियो, टेक्स्ट, इन सब को क्या करती है, स्टोर करती है। और आप कंटेन डिजिटल इंफॉर्मेशन कैन बी रीड बट कैन नॉट बी री रिटर्न, बट इसको जो डिजिटल इंफॉर्मेशन होती है उसको आप रीड कर सकते हो बट री रिटर्न नहीं कर सकते। ये सेपरेट ड्राइव होती है जो एक चीज करती है रीडिंग एंड राइटिंग सीडीज, सिंस वेरी रिलेबल स्टोरेज मीडिया होता है, ऑफन यूज सच एज मीडियम ऑफ डिस्टर्बिंग लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन टू लार्ज नंबर ऑफ यूजर। ये क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है लार्ज अमाउंट में इन्फॉर्मेशन को लार्ज नंबर ऑफ यूज़र में। इनफैक्ट टुडे मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू सीडीज, तो मोस्ट ऑफ द टुडे लाइफ में हम लोग मोस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किसकी हेल्प से, सीडीज़ की हेल्प से। सीडीज़ आप लोगों ने देखा होगा ना, घर में भी देखा होगा, शादी में जो बनती है कैसेट उसको भी बोलते हैं सीडीज़ बनती हैं, और भी बहुत से तरीके से। अब आता है नेक्स्ट डीवीडी। डीवीडी क्या होता है, वो फुल फॉर्म ऑफ डीवीडी के डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है। एक सीडी होता है, एक डीवीडी होता है। डीवीडी क्या होता है, फ्लैट राउंड डिस्क होती है, ये सिमिलर होती है सीडी की तरह, बट ये लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी होती है और इसमें क्लियरिटी बहुत अच्छी होती है क्योंकि इनवर्स क्लियरिटी होती है। डिपेंडिंग अपॉन टाइप इट कैन स्टोर सेवरल गीगाबाइट ऑफ डाटा, की सेवरल गीगाबाइट ऑफ डाटा स्टोर करती है, उसके मतलब कैसा आप स्टोर करते हैं वो उस पर डिपेंड करता है, उसकी क्लियरिटी पर, ठीक है। DVDs are primarily used to store music or movie. DVDs का किस लिए यूज़ करते हैं हम लोग, primarily music और movie का store करने के लिए। It can play back on your television. इसको playback भी कर सकते हो और computer too, computer में भी, but ये भी rewritable media device होती है, इसको दोबारा से rewritable नहीं कर सकते आप। Next क्या होते हैं, hard disk। Hard disk पढ़ाया था मैंने, ये भी auxiliary storage होता है एक तरह से, सेकेंडरी स्टोरेज है, इसीलिए ये इनसाइड द कैबिनेट फिक्स होता है कहाँ पे, सीपीयू में, क्योंकि तभी तो ये स्टोर करता है। ये भी कंसिस्ट करता है वन और मोर रिजिड मटेरियल मेटल प्लेट्स में बनी होती है। सिंगल हार्ड डिस्क यूजली कंसिस्ट सेवरल प्लेटर, सिंगल हार्ड डिस्क होती है उसमें सेवरल प्लेटर्स पाए जाते हैं। ईच प्लेटर रिक्वायर्ड टू रीड राइट हैड वन ऑफ ईच साइड, तो इसके टू रीड्स होते हैं, राइट हैड्स होते हैं ईच साइड में, और ईच राइट हैड अटैच सिंगल एक्सेस आर्म सिंगल और कैन नॉट मूव, उसको मूव ईजली आप नहीं कर सकते। ईच प्लेट सेम नंबर ऑफ ट्रैक, हर प्लेट में सेम नंबर के ट्रैक्स होते हैं, और जो कि लोकेशन कट अक्रॉस ऑल प्लेटर स्कोर सिलेंडर, जिसको सिलेंडर बोला जाता है। इसकी नॉर्मल स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है हार्ड डिस्क की, पर्सनल कंप्यूटर की रेंज में 10 GB से लेकर 120 GB तक। ड्यू टू लार्ज कैपेसिटी ये प्रीफर करता है स्टोर ऑल इम्पॉर्टेंट डाटा इन टू हार्ड डिस्क, तो ये ऑल इम्पॉर्टेंट डाटा को क्या करता है, स्टोर करता है। ये किस में अटैच होता है जल्दी बताइए, सीपीयू बॉक्स में, कैबिनेट के अंदर ये स्टोर करता है। रिट्राइव वेरी फास्ट, और रिट्राइव भी कर देता है बहुत जल्दी। नेक्स्ट क्या होता है, पेन ड्राइव। पेन ड्राइव के बारे में पढ़ा, पेन ड्राइव क्या होती है, पेन लाइक ड्राइव होती है, क्योंकि अब इजली स्मॉल होती है, पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस होती है, इजली कहीं ले जा सकते हो, और बहुत ही वेरी डिफरेंट होती है हार्ड डिस्क और सीडी से। ये अटैच होती है आउटसाइड द कंप्यूटर, आप आउटसाइड से इसको अटैच करते हो यूएसबी पोर्ट से। इट कैन बी स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर कर सकते हो, जैसे 2 GB से लेकर ऑलमोस्ट 256 GB तक आती है, अलग अलग रेट की, अलग अलग टाइप की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, मोन कन्वीनियंट डिवाइस होती है, जो डाटा कैरी करती है वन प्लेस से अनदर प्लेस तक, आप इसको ले जा सकते हो। तो उसको यूएसबी ड्राइव भी बोला जाता है और फ्लैश ड्राइव भी, जैसे मैंने पहले चैप्टर में आपको बताया था। तो आपका दोनों चैप्टर रिवाइज होता है, दोनों चैप्टर मैंने कंप्लीट कर लिया, एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा दोनों चैप्टर को, और ये जो आपका ये वर्क है इसको आप लोग फिल कर लीजिएगा, ये दोनों पेज, दिस एंड दिस पेज, ये दोनों आपको होमवर्क है, ये दोनों होमवर्क आप लोग अपने बुक में फिल कर लीजिएगा।
और ये वाला होमवर्क आपको कॉपी में करना है। ओके, इसको आप लोग खुद से करिएगा, वर्क कॉपी में कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, और मॉरल भी नोट कर लीजिएगा।